हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक सबवूफर एम्पलीफायर का रिव्यू लेकर आया हूं। यह साइज़ में छोटा लेकिन काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है। इसमें TPA 3116 IC का यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें खास। तो ये रही इसकी बॉक्स पैकेजिंग, काफ़ी सिंपल टाइप की इसकी बॉक्स पैकेजिंग है। इसके अंदर सबसे पहले हमें एक केबल मिलता है जिसका यूज़ हम ऑडियो के इनपुट के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद हमें दो केप मिलेंगे जिसका यूज़ हम अपने जो ऑडियो कंट्रोलर है उसके ऊपर लगाने के लिए करेंगे। एक हमारे पास जो ऑडियो कंट्रोलर है एक वॉल्यूम के लिए है और एक बेस कम ज़्यादा करने के लिए है। चलिए मैं इन केप को अपने ऑडियो कंट्रोलर के ऊपर मैं लगा लेता हूँ। इस तरह से आपको इसे लगाना होगा। आप चाहे तो इसे किसी केस में भी फिट कर सकते हैं। इसमें एक मेन ऑडियो कंट्रोलर है और एक बेस कम ज़्यादा करने के लिए ऑडियो कंट्रोलर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक हीट सिंक लगा हुआ है। इसके नीचे हमारी जो आईसी है TPA 3116 वो लगी हुई है। और यहाँ पर जो बेस लिखा हुआ है यहाँ पर हम अपने जो वूफर है उसके कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर हम पावर इनपुट देंगे। और इसके बाद ये जो ऑडियो केबल दिया गया है इसमें हम अपने जो ऑडियो सोर्स है उससे कनेक्ट करेंगे। इसे यहाँ पर इस तरह से हम लगा सकते हैं। और इसकी जगह आप यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है 3.5 mm का, यहाँ पर आप आक्स केबल का यूज़ करके इसमें इनपुट दे सकते हैं। मेरे पास एक DC एडाप्टर है जो कि 24 वोल्ट और 4 एम्पियर का है। आप इस ऑडियो एम्पलीफायर में 12 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक की सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास DC एडाप्टर के लिए कनेक्टर है, इसे मैं पावर देने के लिए यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। और इसका जो आउटपुट है वो वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, मतलब 24 वोल्ट में इसका जो आउटपुट है वो अच्छा रहेगा। ये मैंने इस कनेक्टर को यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं इसमें जो अपना अडैप्टर है उसे भी कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये मेरे पास एक ऑडियो केबल है 3.5 mm का, इसे मैं इसके जो ऑडियो इनपुट है उसमें भी कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो येलो वायर है वो ग्राउंड के लिए है और जो दो वायर बचे हुए हैं वो लेफ्ट और राइट के लिए है। वैसे यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है वो ग्राउंड के लिए है और जो वाइट और रेड वायर है वो लेफ्ट और राइट के लिए। ये मैंने अपने ऑडियो केबल के कनेक्शन कम्प्लीट कर लिए है, इसे मैंने आपस में जोड़ लिया। अब मैं इसके ऊपर मेरे जो सोल्डर है उसे लगा देता हूँ। ये मैंने इसकी सोल्डरिंग कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसके ऊपर जो इंसुलेशन टेप होता है उसे लगा देता हूँ जिससे कि ये आपस में टच ना हो पाए। ये मैंने इसके ऊपर में इंसुलेशन टेप लगा दिया है। अब हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई, बस हमें इसमें जो अपना वूफर है उसके कनेक्शन करने हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें वूफर के कनेक्शन करके बताता हूँ। ये मेरे पास एक 10 इंच का जो सब वूफर रखा हुआ है इसके मैं कनेक्शन आपको इसमें करके दिखाता हूँ। ये हमारे वूफर के जो आउटपुट है उसके दो वायर निकले हुए हैं, इसे हमें अपने ऑडियो एम्पलीफायर में लगाना होगा। यहाँ पर मैं आपको इसके जो कनेक्शन है उसे करके दिखाता हूँ। इस तरह से हमें इसमें यहाँ पर लगाना होगा। ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और ये जो ऑक्स केबल है इसे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है। ये मेरे पास एक ऑडियो स्प्लिटर केबल है, इसमें एक इनपुट मोबाइल में जाएगा और इसके जो आउटपुट है वो दो बाहर निकलेंगे। आप इसमें एक वूफर में लगा सकते हैं और एक आपने होम थिएटर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल बेस ही सुनाई देगा केवल, और आपको जो ट्रबल है उसके लिए आपको अपने होम थिएटर में इसे कनेक्ट करना होगा। तो चलिए आगे हम इसमें अपने जो सॉन्ग है उसको भी प्ले कर लेते हैं। इस ऑडियो एम्पलीफायर का यूज़ आप केवल बेस के लिए कर सकते हैं, और आपके पास कोई होम थिएटर है अगर उसमें बेस कम हो तो आप इसका यूज़ करके अपने जो होम थिएटर है उसका बेस आप बढ़ा सकते हैं। होम थिएटर के साथ कनेक्ट करने के लिए बस आपको ऑडियो स्प्लिटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको इसके बारे में कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस ऑडियो एम्पलीफायर का जो परचेसिंग लिंक है उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे खरीद भी सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।